वालेकुम बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे प्यारे बहन भाई उम्मीद करते हूँ खैरियत से होंगे आज का जो अमल है जादुई शीशा जिसे सिकंदरी आयना भी कहते हैं आयना सिकंदरी भी कहते हैं सिकंदरी आयना भी कहते हैं जो हर किसी के तैयार करदा में से नहीं है हर कोई से तैयार नहीं कर सकता अगर गौर से अमल को सुनेंगे फिर आप भी तैयार कर लेंगे परी मोकिल की हाज़री यानी परी और मोकिल की दुनिया को देखना परियों की दुनिया को देखना सिर्फ आयना सिकंदरी से ठीक है जो जादुई आयना होता है इसका नाम जादुई आयना मैंने ख़ुद से रखा नाम असल है सिकंदरी आयना वक्त रात का इशा की नमाज के बाद का या तहजद का ठीक है दिन नौ चंदी यानी चाँद की पहली तारीख से चौदह तारीख तक आप ये अमल कर सकते हैं अगर आपको मुनासिब लगता है हाज़री हो जाए आईने में तो फिर तो कोई मसला नहीं है जैसे मर्जी आप किसी भी दिन कर लें तीन बार द्रोशिफ़ फिर बसमिल्ल ठीक है लहु तीन बार बिस्मिल्लाह, ला अ तीन बार फिर आपने ये वाला पढ़ना है अल वहा, अल अजल, अल साथ ये तीन लफज साथ आपने पढ़ने हैं कितनी मरतबा पढ़ना है इकतालीस मरतबा नमाज की पाबंदी लाजिम है जायज़ काम के लिए परी और मोकिल की दुनिया को हाजिर करें ख़ुशी के लिए देखने के लिए चाहत के लिए ठीक है और एक बात याद रखें खासकर कि अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो परी मोकिल नाराज़ हो जाएंगे और कभी भी आइना सिकंदरी में आपके सामने हाजिर नहीं होंगे ये एक शीशे का डेमो बनाया है गोल शीशा हो और उसके अंदर काले रंग का दायरा हो अब काले रंग का दायरा आपने किस चीज़ से बनाना है काफूर तिलों का तेल और चमेली का तेल तीनों को मिला लें मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद उस तेल को काफूर को बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा ठीक है अब मिक्स करके और उसके अंदर जैसे हम रुई जब हम किसी का किसी चीज़ का काजल बनाते हैं ना तो रुई को बहुत ज़्यादा जो तरब कर लेते हैं या डिप कर लेते हैं उसी जिसमें आपने कफूर तिलों का तेल और चमेली का तेल डाला होगा ना उसी में उसको रुई को तरबतर करके आपने एक फीता बना लेना है ठीक है और फिर उसको जलाएँ और उसके ऊपर कोई भी बर्तन रख दें कोई भी मट्टी का कोई मतलब कि प्याला रख दें तो उसके जो पेंदा होगा यानी नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ पर काजल बनना शुरू हो जाएगा ठीक है काजल बनाने का बहुत सादा तरीका जो उन है यूट्यूब पर भी आम काजल बनाने की तरह ही होता है आम काजल की तरह समझाया गया फिर काजल को उतार कर किसी डब्बी में डालकर संभाल कर रख लें ठीक है और फिर आप उसको इस्तेमाल कर लें अब अगर उसको इस्तेमाल मतलब कि काजल खुशक होगा तो फिर उसके अंदर तो थोड़ा सा चमेली का तेल डालकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये जो आयना सिकंदरी है बनाना इस तरह है और दायरा इससे बड़ा भी कर सकते हैं दायरा इससे बड़ा भी कर सकते हैं ये मैंने सिर्फ़ एक डैमो के तौर पर आपको समझाया है आयना शीशा सिकंदरी काले मार्कल से लिखी सात सौ छियासी जो कायला दारा है उसके नीचे लिखें फिर आपने ये सारा अमल पढ़ना शुरू करना है तीन दिन ये अमल करें आपको इस आईने के इस हिस्से के अंदर जहाँ पर आपने काजल जो लगाया बनाया था ना आपने जो कफूर का जो यहाँ पर लगाया है ये काजल है समझ लें ये काजल है ठीक है यहाँ पर आपने ये काजल लगाना है और इसी में ही आपको पर ही मोकल की दुनिया नज़र आएगी इसी में ही हाज़री होगी ठीक है इसी में हाजरी होगी कैद ना करें हाजरी करें और हर कोई जायज़ काम अल्लाह के हुक्म से क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं नूर के हाले हैं जैसे फरिश्ते होते हैं ना इसी तरह नूर के हाले ये भी होते हैं मोकिल फ़रिश्तों के ताबे ठीक है तो आप अल्लाह के हुक्म से दुआ कर सकते हैं अल्लाह के कलाम को पढ़ के दुआ करें और इनकी जब हाज़िरी हो तो इनसे थोड़ी मदद ले लें जैसे आप किसी अपने दोस्त अहबाब से रिश्तेदारों से मदद लेते हैं इस इनसे भी मदद ले सकते हैं ठीक है जो अगर इनसे आप सिला रहमी से पेश आएंगे, नरमी से पेश आएंगे तो यकीन माने कि ये जो भी यहाँ पर हाज़िरी दिया करेगा परी में मोकिल में या परिस्तान के दुनिया से कोई भी यहाँ पर इस दायरे में जब हाजरी दिया करेगा जब आपको पहले सफ़ेद रंग की रोशनी नज़र आएगी और फिर इस दायरे में ना आपको जो दुनिया है परी की ठीक है मोकिल की वो यहाँ पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी जब ये आपको आए फिर आप बेशक उनसे पैसा दौलत इज़्ज़त कोई भी बात उनसे कह सकते हैं एज अ दोस्त ऐसे एज अ हमदर्द ठीक है तो आप ये कर सकते हैं ये अमल बहुत खूबसूरत है जब ये शीशे आप हाजिरी मुकम्मल कर लें हाज़िरी हो जाए काला कपड़ा लें और शीशे पर डाल दें शीशे को काले कपड़े में लपेट कर कहीं छुपा दें सूरज की शुआओं से दूर रखिएगा रोशनी से दूर रखिएगा ठीक है सूरज की शुआओं से बस इसको बचाना है शीशे को नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा ख़राब हो जाएगा ठीक है ये अमल आप ज़रूर करें इन अल्लाह के हुक्म से एक दिन दो दिन तीसरे दिन हाज़री अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है और इस्तारा और रूहानी इलाज ज़रूर इस इस्तारा ज़रूर करवाएं क्या पता ये अमल आपके नसीब में है भी कि नहीं पहले आपका बात नहीं आँख का अमल तो नहीं करवाना तो ये चीज़ें सब देखी जाती हैं सोच समझ के हर हाँ चीज़ को करें यह तमाम शौकिया वीडियो आपको साथ शेयर की जा रही है इसमें कोई भी कोई दुनियावी या दीनी या कोई इस तरह का फसाद वगैरह या इस तरह की कोई बात नहीं है यह इंस्ट्रक्शंस है लेकिन अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है वो खुद उस चीज़ का ज़िम्मेदार है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह ख़ैरा या या अमल करवाना कर चाहते हैं या, या, या अमलियात सीखना चाहते थे हैं हमारे तो हमारे फेसबुक ऑप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं जजाकला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रहा करें अगर इस्तारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या इंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाय करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला